3 दिन आप हॉस्पिटल में मैं रही हूँ, वहां पे नींद नहीं आई, घर पर जैसे आई हूँ ना। फिट लग रही हूँ क्या मैं? बहुत फिट लग रही है, पर फिट लग रही हूँ क्या? मुझे ना ऐसा लग रहा है 10-12 किलो कम हो गया ऐसा लग रहा है। इतना भी नहीं हुआ, बट घर आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मतलब 3 दिन आप हॉस्पिटल में मैं रही हूँ, वहाँ पे नींद नहीं आई, घर पर जैसे आई हूँ ना आके इतना अच्छा सोई हूँ, मजा आ गया। गुड्डू मैं आपको पहले बता रही हूँ, मेरे को 1-1.5 दिन से ज्यादा नहीं रखना, मैं नहीं रह सकती। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं गुड्डू, बहुत लोगों को बोल रहे हैं कि 6 दिन बाद दिखाओ फेस, बहुत लोग बोल रहे हैं 40 डेज बाद दिखाओ, दोनों जब जच्चा बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो जाए उसके बाद चेहरा दिखाओ। अब हमें आप लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है, अब हम घर बैठ के सारे मिलके बात करेंगे कि हम बच्चे का जो फेस है वो कब रिवील करने वाले हैं। अभी मैंने कॉल किया ना गोलू को, तो कहती सबसे पहले क्योंकि आया था तो बस कपड़े में था, कपड़े तो पहना नहीं रखे थे निक्को में, कह रहे आते ही मेरे पास सुसु किया। तो गाइस दो नाम है जैद और अयान, तो आप थोड़ा कमेंट करिए बताना कौन सा नाम बहुत ही ज्यादा, और पायल ने फुल डेकोरेशन करा दी, ये सरप्राइज है, ब्लॉग में देखना पड़ेगा। नीम के पत्ते चाहिए, नीम के पत्ते की बंदरवाल, और सबकी एंट्री तो बंद करूंगी, और दूसरा मैं सोच रही ना कि बैलून वैलून की सजावट ना करूँ, फ्लावर्स की करूँ। बिल्कुल सही है ना, हाँ, मतलब वो रखेंगे कि इस चीज़ ऐसे आर्टिफिशियल अपना डेकोरेशन में चिपकाने वाली मत करियो। हाँ, फिर उससे वो रूम भी होएगा। और यार मुझे ना बेबी वाली वो लेके आनी है, सुंदर सी बेडशीट। पहले सारा सामान जो है ना नीचे का, वो सारा सामान ऊपर ला के सेट करके, अलमारी सेट करके, क्योंकि आज अलमारी भी बन गई है। और चिमनी का जो पाइप था ना, वहाँ पे सारा बंद हो गया था शीशा, अब मैंने शीशा कटवाया है, चिमनी का पाइप अलमारी के अंदर से निकलवाया है ताकि बाहर से गंदा ना लगे, दिखे ना। तो गाइस इस लड़के की हरकतें देख लो, ये बता लाइव के लिए था और ये खुद पहन रहा है भाई। ये मैडम लेके गई थी हमारे छोटे बेबी के लिए, और ये उसके बड़े भाई ने पहन लिया, देख लो। अबे ऐसा क्यों किया तूने? मुझे अच्छा लगा तो बाबा लगा तो बाबा बन गया। मैडम को दिखा दियो जाते ही, क्या अपने भाई के लिए दिया था? हाँ रोली पोली करके दे दो ना प्लीज। रोली पोली ये किससे सीखा तूने रोली पोली? मैंने तो निकाली बोला, मैं स्कूल जाता था ना, मैडम बोलती थी इसको रोली पोली कर दे रोटी को फिर खा ले। मैंने तो नहीं, जब अकेजी ग्रीन में था जब मैम बोलती थी। अच्छा अच्छा, हमारे में बोलते ना कि रोल बना ले रोटी का, सब्जी में दबा ले रोल बना ले, तो ये रोली पोली कह रहा है उसे। तो मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब सी लग रही है, मैं थोड़ी सोने जा रहा हूँ, हालत खराब सी हो रही है। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, हॉस्पिटल के चक्कर घर के चक्कर लग रहे हैं बहुत ज्यादा, और फिर लोग भी मिलने आ रहे हैं ना, तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, जाओ 4-5 घंटे सो। तो गाइस अभी उठा हूँ, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, तो सोच रहा हूँ जाके एडमिट हो जाऊँ, जितिन भाई कह रहे एडमिट हो जाके, तो अभी मुझे लग रहा है जब तक मैं ठीक ना हूँ ना तब तक मैं बच्चे से दूर रहूंगा, क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्योंकि अभी वो बिल्कुल छोटा है और इन्फेक्शन का डर बच्चों में ज्यादा होता है, इसीलिए आप अपनी नींद का ध्यान भी नहीं रख पा रहे हो ना, क्योंकि सुबह शाम जाना पड़ रहा है, बीच में 3 बजे भी जा रहे हैं, 2 बजे भी जा रहे हैं, सुबह भी जा रहे हैं, तो फीवर तो चढ़ेगा ही, मुझे भी खांसी है, मैं और सब कुछ करने वाले भी यही है ना, इसी वजह से ये भी दिक्कत हो रही है कि आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो। चलो भैया शुगर, अभी जतिन भाई आ गए, भाभी आ गए, ये संभालेंगे, अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल, और देख रहा हूँ मैं वहीं कोई बेड वेड ले लूंगा साथ में और एडमिट हो जाऊंगा। पर अब मैं चीकू, मतलब जो हमारा जैद है, जैद रखा जैद के पास नहीं जाऊंगा जब तक ठीक नहीं हूँ, ठीक है दादा? बिल्कुल, वैसे भी जैद थोड़ा वीक हो गया है, उसका वेट जो है डाउन आया है, डाउन आया है, होता ही है। आप जाओ एक बार हॉस्पिटल और एडमिट हो जाओ, और कल तक ठीक हो गए वापस घर जाओ। ढीले मतलब उनकी हो गई तबीयत खराब, अब जो है सारा जो बीड़ा है वो मुझे उठाना पड़ेगा, मैंने सारा सामान जो है बच्चों का वो नीचे से ऊपर मंगवा लिया, ये रखा सारा सामान, तो अब ये सारा सामान जो है वो मुझे सेट करना है, एक तो गोलू के लिए और बेबी के लिए रूम सेट करवाना है, तो मैंने सोचा मैं ये वाला रूम जो है ना, जो हमारा गेस्ट रूम है, इसको मैं सेट करवाऊंगी, बेडशीट कर ले आऊंगी क्योंकि कल आएगा बेबी, बाकी सारी चीजें जो है वो मैं यहाँ पे सेट करने वाली हूँ अभी, बस पहले मैं वेट कर रही हूँ, ये अलमारी मेरी जो है ये भैया लकड़ी वाला काम करके नहीं दे रहा है, वो जैसे काम करके दे दे तो मैं सारे कपड़े वगैरह सब लगा दूँ आज। तो गाइस यहाँ पे अरमान मलिक हॉस्पिटल जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, बिकॉज वो ही इज़ फीलिंग नॉट वेल, तो वो खुद का भी चेकअप करवा लेकर फिर रास्ते में वो बात कर रहे हैं कि जी मुझे बेबी कि बेबी कृतिका को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, जब वो सो रही होती है तो बेबी जागता है और जब वो जागती हैं तो बेबी सोता है, तो ये इसी तरह चलता रहता है। तो अरमान मलिक उन्हें कहते हैं कि आप भाभी हमें टिप्स दें, तेरा ध्यान रखते रखते बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो, अब आप टेंशन मत लो, बस ऐसे ही थोड़ा हेडेक है, मतलब सोया नहीं हूं, खाया नहीं, पिया नहीं, मेरे साथ भी यही हो रहा है, मेरे साथ भी सेम यही हो रहा है, मैं जैसे ही सोती हूँ ये रोता है, फिर मम्मी को देती हूँ, मम्मी एक घंटा चुप कराती है, फिर मेरा ध्यान रहता है वहाँ पे। अब मैं दवाइयाँ ली है, अभी जस्ट मैंने ड्रिप चढ़ी है, दवाई ली है, काफी इतना ज्यादा सो रहा है और ये सबको परेशान कर रहा है कि हाँ भाई क्या चक्कर है, मैं बताऊंगा कि मैं आ चुका हूँ नहीं, मम्मी आप पूरा ध्यान रख रहे हो, जब तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए ध्यान में, थोड़ी सी मेरे होते हुए कमी हो सकती है, मैंने आपकी बीबी को कितना संभाला है, तो फिर इसका भी मेरा फर्ज है, इसको संभालूंगी, लव जो पल के पाए के भी दो और इसका भी एक, सब संभाल के जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी नहीं घर। कितने साल?
नहीं नहीं साल नहीं, महीने दो तीन महीने का, दो महीने बस, महीना इसका निकाल लूंगी, महीना उसका बस। बच्चे से मिल ली है और भाभी बताएगी कि ये किसके जैसा लग रहा है भाभी? अभी फिलहाल तो ये खुद पे ही है क्योंकि अभी छह महीने तक हम कुछ नहीं कह सकते किसके ऊपर गया है। अभी जैद को डॉक्टर देखने आया था, डॉक्टर ने क्या बोला? जैद को देखने आए थे, पीडियाट्रिक आए थे, उन्होंने ना उसको चेक किया तो बाहर से ठंडा अंदर से गर्म हो रहा था क्योंकि नौ महीने मेरे पेट में रहे ना, तो उन्होंने बोला वो गर्म कोख में रहता है ना तो बच्चे को टेम्परेचर वैसा देना होता है, तो अब इसे फुल स्लीव के कपड़े पहनाओ। तो फिर मैंने जैद के कपड़े चेंज करे, पीछे देखो वापस फैन ऑफ। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ इकरा राजपूत व्लॉग।